हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2024। जय हिंद स्टूडेंट्स, हिमाचल के सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिमाचल में सरकारी नौकरियों की इस साल बाढ़ आने वाली है और एक नौकरी जो है सबसे पहले आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में क्लेरिकल की रिक्रूटमेंट निकली है, जिसकी आज हम डिटेल करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, पेपर ऑनलाइन होगा, इसका सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, फी कितनी है, तो सारी बातें करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर देखेंगे तो हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर क्लर्क की जो रिक्रूटमेंट निकली है उसमें टोटल तो 230 पोस्ट है, लेकिन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी प्लस टू बेस पे वो है 158 पोस्ट। तो 158 पोस्ट के लिए सारे स्टूडेंट्स जो प्लस टू या ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी वैकेंसीज की बात करें तो 158 में जनरल अनरिजर्व की 54 है, EWS HP की 11 है, SC of HP की 23 है, ST of HP की 6 है, OBC of HP की 23 है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी की मिला के जो है वो बनेगी। और जो रिजर्व कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो हिमाचल बोनाफाइड वालों को मिलेगा। अगर कोई और स्टूडेंट इसको अप्लाई करता है तो उसको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। अब आगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो ये जो ऑनलाइन फॉर्म आपने हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की वेबसाइट पे जाके जब आपने अप्लाई करना है, हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पेपर भी ऑनलाइन होगा और इसको IBPS जो है वो जो बैंक PO क्लैरिकल के सारे पेपर कंडक्ट करता है वही इसको कंडक्ट करने वाला है। तो इसकी ऑनलाइन डेट की जो स्टार्टिंग डेट है 6 मार्च से स्टार्ट हो गया ये, और आज से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च 31 मार्च तक आपने इसको अप्लाई करना है। और 5-6 वीक के बाद, मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि अप्रैल मिड के बाद ये एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जो है इन्होंने सारी डेट्स दे रखी हैं। आप ये मान के चल सकते हैं कि जुलाई अगस्त तक जो है इसका फाइनल जो है रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आपके पास 5-6 महीने में जॉब लगने के पूरे चांसेस हैं। तो आगे देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो जूनियर क्लर्क जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंडर जो रिक्रूटमेंट होगी, माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 विद 50% मार्क्स, या तो आप सिंपल 10+2 है 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने अगर ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वो सिंपल चाहिए, उसमें 50% मार्क्स नहीं चाहिए। और साथ में इन्होंने ये लिखा है कि मैट्रिकुलेशन या 10th आपने जो है किसी ऐसे स्कूल से की होनी चाहिए जो ही हिमाचल में ही सिचुएटेड है, और अगर आप ऐसे नहीं किया, आपके पास ये कंडीशन नहीं है, तो आपके पास जो है बोनाफाइड होना बहुत जरूरी है। मतलब इस पोस्ट को सिर्फ हिमाचल के लोग या हिमाचल के स्कूल्स में पढ़े हुए, कॉलेज में पढ़े हुए और हिमाचल बोनाफाइड के स्टूडेंट्स ही जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो 1/1/2024 को जो आपकी एज है वो 18-45, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 45 होनी चाहिए। और SC कैटेगरी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, ST के लिए 5 साल की है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन है। आगे देखेंगे कि क्या इसकी कोई कोचिंग मिलती है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी ऑफलाइन कोचिंग भी मिलेगी, ऑनलाइन कोचिंग भी मिलेगी। ऑफलाइन जनरली जो बैंकिंग का सिलेबस है वो इसका सिलेबस है, तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ब्राइट अकेडमी चंडीगढ़ में आके लेना चाहते हैं तो ब्राइट अकेडमी में डेली 3 घंटे क्लासेज होती हैं जो बैंक की SSC के सारे बैचेस कवर करते हैं। उसमें 4-5 महीने ड्यूरेशन रहती है, सारे स्टडी मटेरियल आपको बुक्स मिलती हैं, रिजल्ट्स आप हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हैं। 11 मार्च से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, हर महीने जो है 3 या 4 बैच हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में स्टार्ट होते हैं। तो जब भी आपके, अगर आपके फाइनल ईयर के एग्जाम है या भी आप कॉलेज कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप लेटर ऑन अप्रैल मई जून में भी आ सकते हैं। और ग्रीन कार्ड जो है वो टिल सिलेक्शन रहता है, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती तब तक आप कोचिंग रिपीट कर सकते हैं। और जो बच्चा भी ऑफलाइन ज्वाइन करता है उसको ऑनलाइन का एक्सेस फ्री मिलता है। ये ब्राइट अकेडमी का हमारा एड्रेस है, ब्राइट अकेडमी सेक्टर 15A मध्य मार्ग चंडीगढ़, और हमारा फोन नंबर है 9988442200। हम ऑनलाइन करें कि हिमाचल के जो बच्चे लगता है कि हम नहीं आ सकते सर, हमें ऑनलाइन जो है वो कोर्स चाहिए, तो ब्राइट अकेडमी के सारे वीडियो कोर्स जो कि बैंकिंग और SSC एग्जाम्स को कवर करते हैं, सारे PDF नोट्स उसमें मिलते हैं, डेमो वीडियो। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप कोर्स लेने से पहले आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं। 10,000 जो है इसकी टोटल फी रहती है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल रहती है। और एप्लीकेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो AAA ब्राइट अकेडमी के नाम से है, एंड्रॉइड iOS दोनों में है, विंडो में भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप 9988442200 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इस हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो क्लैरिकल की रिक्रूटमेंट है इसकी फी कितनी है अप्लाई करने की। तो जनरल एंड OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 1000 है, EWS हिमाचल प्रदेश के लिए 800 है, SC ST IRDP BPL अंत्योदय के लिए 800 है, और गर्ल्स जो कि फीमेल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी उसके लिए 800 है। आगे हम देखते हैं कि अब इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, जैसे बैंक के पेपर होते हैं बिल्कुल वैसे ही रहेगा। माइटर्स पहले प्रिलिमरी होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा, फिर मेंस होगा जिसके मार्क्स के बेस पे फाइनल सिलेक्शन होगी।
तो चलिए देखते हैं कि सब जो प्रिलिमरी होगा उसमें 30 नंबर क्वेश्चन, 30 इंग्लिश के, मैथ्स के और रीजनिंग के 35-35, और 30-35-35, और इसमें ड्यूरेशन भी रहेगी, मतलब इंडिविजुअल टाइम भी है 20-20-20 मिनट्स का। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट का टाइम होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आएगा, और जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं 10 टाइम जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंस के लिए जो है कॉल किए जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी प्रीलिमरी में भी और मेंस में भी 1/4 मार्क्स की। अब इसके अलावा जो है इसके बाद मेंस का जो सिलेबस है उसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है 25 नंबर के, मैथ के 50 क्वेश्चन है 25 नंबर के, इंग्लिश के 50 है 25 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के स्टार भी लगा, मैं आपको बताता हूँ 25 नंबर के, मतलब 200 क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर है, और इसमें टाइम भी मिलेगा आपको 30-30 मिनट का, सब में टोटल 2 घंटे का पेपर रहेगा। जनरल अवेयरनेस इंक्लूड क्वेश्चन अबाउट हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, और इन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि जो मेरिट बनेगी वो मेंस के बेस पे बनेगी। आगे हम बताते हैं कि जो 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस उसमें क्या क्या आएगा, उसमें इन्होंने लिखा है 25 क्वेश्चन आएंगे 25 बैंकिंग के इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंकिंग के, और 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस एंड क्वेश्चन अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो 50 में से 25 तो आएंगे आपके बैंकिंग और कोऑपरेटिव बैंकिंग के, और जो बाकी 25 बचे उसमें जनरल अवेयरनेस और भी आएगा और हिमाचल का जीके भी आएगा, और जितनी नंबर ऑफ सीट्स है 1.7 टाइम जो है कैंडिडेट्स जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। और इस बार इन्होंने एक कंडीशन और रख दी है कि मिनिमम आपको 45% मार्क्स लेने पड़ेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्क्रूटनी, मतलब 45% से नीचे जो है मेंस एग्जाम के जिसके नीचे आएंगे उसको किसी को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो सैलरी क्या रहेगी इसकी जो है, टोटल अप्रॉक्सीमेट अमाउंट जो है 26,600 प्लस एडमिसिबल अलाउंसेज है, 30,000-32,000 के आसपास जो है आपको सैलरी मिलेगी। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हिमाचल के, स्पेशली हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कंपटीशन ऑब्वियसली सिर्फ हिमाचल के बच्चों में के बीच में ही रहेगा। तो आपने इस मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो नए भी तैयारी करना चाहते हैं 2-3 महीने में अच्छी तैयारी हो जाती है इस लेवल के एग्जाम के लिए। तो बेटा आप अच्छे से प्रिपेयर करो और अपना जो सपना है जो गवर्नमेंट जॉब लगने का उसका पूरा करो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है इस रिक्रूटमेंट को लेके, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।